실어야 했던 강군의 꿈이었습니다. उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में विवाद सालों पुराना है। सालों से उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर अपना हक जमाता आया है। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन दक्षिण कोरिया को परेशान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। उत्तर कोरिया की तरफ से लगातार इस तरह की हरकतें की जाती रही हैं, जो दक्षिण कोरिया के लिए परेशानी का सबब बनती रही है। कभी मिसाइलें तो कभी ड्रोन दक्षिण कोरिया की सीमा पर। उत्तर कोरिया लगातार अपनी बौखलाहट दिखाता आया है। अपना दमखम दिखाने के लिए उत्तर कोरिया हमेशा से हथियारों का सहारा लेता आया है। हाल ही में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने का ऐलान किया था। इसके बाद अब उत्तर कोरिया परमाणु बम बनाने की तैयारियों में है। यही नहीं, इस ऐलान के दूसरे ही दिन उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट दागे और फिर किम जोंग उन ने प्रतिबंधित परमाणु निर्माण स्थल का दौरा करके परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धन बढ़ाने का निर्देश दिया। उत्तर कोरिया ने पहली बार अपने परमाणु बमों के लिए ईंधन का उत्पाद करने वाले सेंट्रीफ्यूज की तस्वीरें दिखाई हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन इस यूरेनियम संवर्धन फैक्ट्री का दौरा करते दिखे। उन्होंने इसे बढ़ावा देने के लिए अधिक हथियार ग्रेड सामग्री तैयार करने का आदेश दिया है। अब किम जोंग उन की यूरेनियम साइट की तस्वीरें सामने आने से दुनिया में खलबली मच गई है। तहत बैन है उत्तर कोरिया की यूरेनियम साइट। किम के दौरे के बाद राज्य मीडिया रिपोर्ट में सेंट्रीफ्यूज की पहली तस्वीर सामने आई, जो उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के अंदर उस दुर्लभ इकाई की है जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के तहत प्रतिबंधित किया गया है। इन तस्वीरों में किम जोंग उन को यूरेनियम को समृद्ध करने वाली धातु सेंट्रीफ्यूज की मशीनों की लंबी कतारों के बीच चलते हुए दिखाया गया। अमेरिका पर हमले की तैयारी में किम जोंग। उत्तर कोरिया अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। ये कहा जा रहा है कि यूरेनियम संवर्धन साइट का दौरा करते हुए किम ने कार्यकर्ताओं से सामरिक परमाणु हथियारों की अधिक सामग्री का उत्पादन करने के लिए कहा है। किम जोंग ने यह भी कहा है कि देश को परमाणु शस्त्रागार संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों से खतरों का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है। बता दें कि उत्तर कोरिया के पास अभी 50 से ज्यादा परमाणु हथियार होने का अनुमान है। विश्लेषकों के अनुसार उनके पास अभी इतनी यूरेनियम सामग्री है कि वह 70 से 90 परमाणु हथियार और बना सकता है। बता दें कि जिस यूरेनियम संवर्धन इकाई का किम जोंग ने दौरा किया, इस तरह की उत्तर कोरिया के पास कई इकाइयां होने का दावा किया जाता है।